Every time that I come, I get energy. And it comes to my belief that man, given the will, has the ability to accomplish impossibles along the way. जो हमारा ट्रस्ट और फेथ है कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दे दिया इस पाकिस्तान की शक्ल में इस सेंडम रियलाइजेशन हम लोग आपसे बढ़े हैं और हम बाहर के लोगों में मिल गए और हमने जब देखा कि पाकिस्तान रियल में एक इस्लाम का किला है दिस इज अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक अस हु आर एल्डर्स टू स्पीक टू आवर चिल्ड्रन लाइक दिस work in the institutions and see that our youth takes our place for times to come. And my dear children, it takes no time. मुझे याद है हम अपने benches में end में बैठा करते थे ना इतने bright students होते थे ना कुछ इतना कुछ हमारे resources थे लेकिन एक चीज थी जो कभी भी डाय नहीं होती और वो spirit दिल में is a burning desire and love of the country. And we were very fortunate to have our teachers, our flying instructors, and of course people like Air Commodore Jabeen, who put this light in front of us. He stood in a sea like a beacon. And Allah ne hame ye ehsaas baksh kiya ki hum inke zere saaye aake kaam karne ki ek humne koshish shuru kar di. Mujhe jab yaad hai jab मैं पहले रशीदाबाद में आया चीफ बनने से पहले तो तब भी मेरे दिल में ये था कि एक ऐसा मॉडल है ये इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे सब लोग मेहनत से काम करते हैं एंड वी ऑल ट्राई टू बिकम द बेस्ट दिस इज अ यूनिक मॉडल इन द वर्ल्ड आई थिंक दिस मस्ट बी रेप्लिकेटेड और फिर ये हुआ कि वही मॉडल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में हमने सोचना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की एक हमारे ऊपर करम था कि वो मॉडल जो है कुछ शक्ल में आना शुरू हो गए भले वो आलमाबाद है भले यूनिसाबाद है फोर्ट बनरो के अंदर भी ये कोशिश स्टार्ट होगी क्योंकि बलूचिस्तानों के भी क्योंकि बड़े एक संगम में वाक़ है और इसी तरह भी बहुत रिसेंटली एक और जगह पंजाब में भी बुरे वाला के लिए जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए एक बात ये हमारी जिम्मेदारी है ये अल्लाह ने हमें एक जिम्मेदारी के साथ ये काम किया है और हम सिर्फ उसी से दुआ करते हैं कि ईया का नाम बदू व ईया का नस्ताई या ना आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं कि आप ये काम करते हैं आजकल में ख़ास तौर पे एक और बड़ी अहमियत का हामिल है हमारे पास जो है अब्दुल सत्तार एडी जिन्होंने इतनी बड़ी शब्द चलाई पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए और उनकी खिदमात जो है वो बयान करने के काबिल ही वाज अ टावर विच शोड बेस टू सो मेनी एंड लिव्ड अ वेरी हम्बल एंड सिंपल लाइफ उनके जो है बेटे जो है फैसल जिन्होंने परचम संभाला और वो लेके इस मिशन को आगे चले मेरी दिल से दुआ है और जब भी हम कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कहीं जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह दादा आपके लिए इसमें बरकत करते हैं क्या इस कार्य खैर में शामिल हो जाए और चूंकि मिशन एक है सब चीजों को लेकर आगे जाए स्टूडेंट्स की टीचर्स को मैं खाली फैकल्टी जो है सबको पहचानता हूँ आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात भी रही है एंड आई सी यू पीपल डू अ फैंटास्टिकली गुड जॉब टू सेट सच काइंड ऑफ डिसिप्लिन एटमोसफियर और उसके बाद बच्चों को इतना अच्छा ग्रूम करना ऑनेस्टली This is a service par excellence and very few who can replicate it. हमारे ईस्ट और वेस्ट से दोनों दुश्मन थे जो कि टेररिज्म हमारे अंदर फैलाया और फिर अल्लाह ने हमें एक जहाद का फैसला कर लिया कि इसको ख़त्म करना है बेगुनाह की जाने नहीं जा सकती इस तरह और फिर अल्लाह ने कहाँ कहाँ से मदद की मेरे अपनी आंखों से देखा अपने हाथों से कोशिश की कुछ करने की और वो सब कुछ सुकून हो गया उसके बाद अल्लाह ने ऐसे ऐसे एयरफोर्स को इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए कि हम सब देख रहे थे कि सब कुछ कैसे अल्लाह की बरकत से याद रखें खुद नहीं हो जाता इसके लिए मेहनत का जो एक अमल है वो लाजमी है ख्याल भी अल्लाह ताला से डालते हैं हिम्मत भी वो देते हैं पर
but you have to struggle. And struggle means not 5 hours a day or 8 hours a day. जिस वक्त आप सोते हैं शायद वो वक्त है जिसके अंदर आप एनर्जी भी घूम करके रखा है स्टार्ट वर्किंग के लिए. तो बेटा अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अगर इस मुल्क को टॉप के ऊपर देखना है, और आप लोग सब एबिलिटी है करने की. अगर हम लोग हम्बल तरीके से बैकग्राउंड से हो के और छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ के, और अगर अल्लाह ताला हमें ये एबिलिटीज दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा था स्पिरिट और सब कुछ बीच में हमेशा के लिए रहना चाहिए. आई एम एक्सट्रीमली प्लीज दैट यू पीपल स्पेंड टाइम स्टूडेंट्स द फैकल्टी. एंड वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फैसल भाई फॉर ग्रेसिंग अस. ऑडिटोरियम में हम दिल से ये वादा करते हैं कि एज वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की जब तक आपकी सांस है फिर